हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए, मैं आपका अपना टीचर गुलशन गौर। आज मैं आप लोगों के लिए विषय हमारा भारतीय संविधान और टॉपिक है संघ की कार्यपालिका। अब संघ की कार्यपालिका क्या क्या पढ़ना है, मैं उसमें देख लीजिएगा। एक तो संघ की कार्यपालिका का जो कार्यकाल निर्वाहक होता है और प्रमुख होता है वो होता है आपका राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के बारे में जानेंगे हम पूरा संपूर्ण। एक होता है उपराष्ट्रपति कार्यपालिका में, एक होती है पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा, ये सब इसी के अंतर्गत हमें पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है संघ की कार्यपालिका, और संघ की कार्यपालिका में हम देखेंगे राष्ट्रपति। ठीक है, तो राष्ट्रपति जो है हम आपका 2 से 3 क्लास में संपूर्ण समाप्त करेंगे। और आइए आज की हमारी पहली क्लास है, तो देखते हैं क्या है। संविधान के अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका, संघ की कार्यपालिका का प्रमुख या शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। मतलब यह है कि आर्टिकल 53 यह कहता है संविधान का कि जो सर्वे सर्वा है वो राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति आप लोगों को पता है भारत का प्रथम नागरिक होता है, पता है सब लोगों को। कितने लोगों को नहीं पता है जो बच्चे क्लास में है? चलिए, सबको पता है, वेरी गुड। तो संघ की कार्यपालिका का जो प्रमुख होगा, जो हेड होगा, जो चीफ होगा, वो होगा भारत का राष्ट्रपति। इस चीफ की जो इंफॉर्मेशन देता है वो हमारा आर्टिकल 53 उपलब्ध कराता है। क्लियर। नेक्स्ट, भारत में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है, ये तो आप लोगों को पता है। भारत में पार्लियामेंट सिस्टम को अपनाया गया है। नेक्स्ट, संसदीय जो व्यवस्था है वो भारत में ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। सबसे पहले संसदीय जो व्यवस्था थी वो ब्रिटेन में थी, पार्लियामेंट जो सिस्टम था वो ब्रिटेन में था। तो जब हमारे विद्वानों ने ब्रिटेन का जाके भ्रमण किया था, ब्रिटेन का संविधान देखा था, जांच करी थी, तो वहां उन्हें पार्लियामेंट सिस्टम अच्छा लगा था, तो उन्होंने ब्रिटेन के संविधान से भारत में पार्लियामेंट सिस्टम को रखा है। तीसरा, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। क्यों? वो इसलिए होती है कि जो प्रधानमंत्री निर्वाचित होता है वो लोकसभा से ही बनता है। लोकसभा का जो सदस्य होता है, जो लोकसभा से चुनकर आता है, वही उन्हीं में से कोई एक भी सदस्य जो चुनाव चुनकर आते हैं लोकसभा में, उनमें से किसी भी एक सदस्य को बहुमत दल का नेता चुन लिया जाता है और उसी को प्रधानमंत्री बनाया जाता है। और जो मंत्रिपरिषद होगी, जो प्रधानमंत्री, वो आपका लोकसभा के प्रति ही उत्तरदायी होगी। नेक्स्ट पॉइंट, राष्ट्रपति नाम मात्र का कार्यपालिका प्रमुख होता है। यह कहा जाता है कि जो शक्ति है भारत में, जो पार्लियामेंट सिस्टम में जो शक्ति है, वो प्रधानमंत्री के हाथ में होती है। क्यों होती है? कि प्रधानमंत्री, भारतीय जो संसद है या पार्लियामेंट है, वो कानून बनाती है, वही कानून को समाप्त करती है किसी भी चीज को कानून बना के। तो राष्ट्रपति को एक रबड़ की मोहर भी कहा जाता है कि बस एक राष्ट्रपति तो सिग्नेचर हस्ताक्षर करता अधिक वो होता है। तो इसलिए कहा जाता है कि राष्ट्रपति जो है नाम मात्र का कार्यपालिका प्रमुख होता है, जबकि ऐसा नहीं है, बहुत शक्ति होती है। भारत में प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल वास्तविक कार्यपालिका का प्रमुख होता है। बताया मैंने अभी आप लोगों को कि कार्यपालिका ही का प्रमुख प्रधानमंत्री होगा, और प्रधानमंत्री जो है मंत्रिमंडल की सहमति से सब काम करता है, और मंत्रिमंडल ही उसका वास्तविक प्रमुख होता है कार्यपालिका। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 53 ये कहता है, याद रखना, 52 ये कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। कोई भी देश जो एक गणतंत्र देश है, गणतंत्र उसे कहा जाता है जिस देश की कार्यपालिका प्रमुख, ये कार्यपालिका का सर्वे सर्वा जो चीफ होता है, हेड होता है, एक निश्चित अवधि के लिए चुना जाता हो, जैसे भारत में 5 साल के लिए। तो आर्टिकल 52 ये कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। क्लियर।
अच्छा भारत में जो राष्ट्रपति का कार्यकाल है वो आप लोगों को पता होगा कि 5 साल है ओनली वो, जबकि अमेरिका में 2 साल है राष्ट्रपति का कार्यकाल, सॉरी 4 साल। और भारत में कितनी भी बार एक व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है, अनलिमिटेड, बस उसकी जिंदगी हो, है नहीं बात उसकी जिंदगी हो, वो जीने और जीता होना चाहिए, चाहे वो कब्र में क्यों ना लटका हो उसके पैर, बस वो भी राष्ट्रपति बन जाएगा अगर सरकार चाहे तो। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित बातों का उल्लेख किया गया है। राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित का मतलब यहां क्या है, यह कि राष्ट्रपति का जब चुनाव होगा उसमें कौन भाग लेगा कौन नहीं भाग लेगा, तो ये सब चीजों का जो उल्लेख है वो आर्टिकल 54 में किया गया है। अनुच्छेद 55, राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति, मतलब भारत में जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, समानुपातिक कार्य पद्धति, समानुपातिक कार्य पद्धति के आधार पर भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, और जो फर्स्ट वो पा लेता है बहुमत उसे ही राष्ट्रपति चुन लिया जाता है। ये विस्तार से मेंस का टॉपिक हो जाएगा, हमें यहां ओनली फॉर पीटी प्रीलिम्स एग्जाम से ही संबंधित चीजों को देखना है। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो 5 साल है, इस चीज का उल्लेख किया गया है, और 5 साल होने से पूर्व राष्ट्रपति का जब 6 माह हो जाए, 6 महीने 6 माह रह जाए, तो उस नए राष्ट्रपति का निर्वाचन या चुनाव कर लेना अनिवार्य है, और राष्ट्रपति तब तक अपने पद पर बना रहता है जब तक कोई नया राष्ट्रपति उस पद को ग्रहण नहीं कर लेता। तो ये आर्टिकल 56 में सब बातों का उल्लेख किया गया है, क्लियर। इसके बाद अनुच्छेद 56(2) में राष्ट्रपति के त्याग पत्र का उल्लेख है, मतलब ये है कि अगर राष्ट्रपति अपने पद को खाली करना चाहता है, त्याग पत्र देना चाहता है या हटना चाहता है या कुछ भी कारण करना चाहता है, तो आर्टिकल 56(2) में कहा गया है कि राष्ट्रपति अपना जो त्याग पत्र देगा वो उपराष्ट्रपति को देगा, और उपराष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष को देंगे, उसे सौंप देंगे, और लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा के पटल पर रखेंगे और लोकसभा में उस पर चर्चा होगी। तो आर्टिकल 56 में राष्ट्रपति के त्याग पत्र का उल्लेख किया गया है। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देगा, एक बार बोलिएगा जो बच्चे क्लास में है, उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति फिर उसे किसे देगा, लोकसभा अध्यक्ष को, और लोकसभा अध्यक्ष उसे लोकसभा में रखेंगे, उस पर चर्चा होगी। नेक्स्ट, अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता का उल्लेख किया गया है। 58 में राष्ट्रपति बनने की योग्यता का उल्लेख किया गया है, क्या है आप देख लीजिएगा। भारत में कोई भी व्यक्ति अगर राष्ट्रपति बनता है तो उसके लिए 4 योग्यताएं अनिवार्य है। नंबर 1, वह व्यक्ति भारत का नागरिक हो, 1 योग्यता। दूसरी योग्यता है कि वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। तीसरी योग्यता यह है किसी लाभ के पद पर ना हो। चौथी योग्यता यह है कि लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। क्लियर है, ये 4 योग्यताएं हैं जिनका उल्लेख आर्टिकल 58 में किया गया है। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति को सिर्फ महाभियोग के द्वारा ही हटाया जा सकता है, मतलब ये कि राष्ट्रपति को पद से हटाने की जो प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है, और वो प्रक्रिया है महाभियोग, और महाभियोग लोकसभा और राज्यसभा में पहले पास किया जाएगा, तब उसे उसे पद से हटाया जा सकता है, अन्यथा नहीं। एकमात्र जो उल्लेख है राष्ट्रपति को हटाने का वो है महाभियोग की प्रक्रिया। तो आर्टिकल 61 में राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। इसी का दूसरा पॉइंट है अनुच्छेद 61 में संविधान का उल्लंघन, अगर कोई राष्ट्रपति पद पर रहते हुए संविधान का उल्लंघन करता है
तो उसे तभी उसके पद से हटाया जा सकता है, अन्यथा नहीं, तभी उसके खिलाफ महाभियोग लाया जाएगा, अन्यथा नहीं। और महाभियोग की प्रक्रिया चाहे लोकसभा में लाया है पहले, चाहे राज्यसभा में लाया है, ये कोई कंडीशन नहीं है। तो 61 में क्या है, राष्ट्रपति पर महाभियोग। 61 में क्या है, यह कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए संविधान का उल्लंघन कर दे तभी उस पर महाभियोग लगाया जाएगा, अन्यथा नहीं। नेक्स्ट है अनुच्छेद 70 में किसी आकस्मिक का मतलब होता है अचानक से घटने वाली घटनाएं, जैसे किसी की मृत्यु होगी, एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई, एक्सीडेंट हो गया, पद त्याग दिया एकदम से, तो इस तरह की जो अचानक से आकस्मिक घटनाएं होती है। अनुच्छेद 70 में किसी आकस्मिक अचानक से हुई घटना के कारण राष्ट्रपति के पद पर, याद रखना पद पर कौन कार्य करेगा, मतलब यह है आर्टिकल 70 ये कहता है कि अगर राष्ट्रपति की, इस ऊपर वाला ना करे, ऐसी कोई घटना घटित हो कि अगर राष्ट्रपति की अचानक से मृत्यु हो गई या उन्हें पद त्याग दिया, इस्तीफा दे दिया या उस पर महाभियोग सिद्ध हो गया, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति के पद पर आकस्मिक कौन कार्य करेगा, तो ऐसी स्थिति में आर्टिकल 70 ये कहता है कि ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति कार्य करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है। और ये बात उपराष्ट्रपति पर भी लागू होती है, फिर राष्ट्रपति देखेगा उस काम को तब तक जब तक नया कोई न चुन लिया जाए। अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। समाधान कैसे, समाधान अगर किसी व्यक्ति को फांसी की सजा दी गई, मृत्यु की सजा दी गई या फिर आजीवन कठोर कारावास दिया गया या कारावास दिया गया या जैसा भी एक्सपायर्ड समाधान, तो वहां पर अगर वो राष्ट्रपति के सामने अर्जी लगा देता है, अगर फांसी की सजा है तो राष्ट्रपति को लगे कि गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए था और ये गलत तरीके से इसमें कानून का उल्लंघन है, तो राष्ट्रपति उसकी सजा को, अगर फांसी की सजा है तो साधारण उसे कारावास में बदल सकता है, और कठोर कारावास है तो उसे साधारण कारावास में बदल सकता है, और कारावास है तो उसे कुछ समय या कुछ साल के लिए बदल सकता है, और कुछ साल है तो उसे 6 महीने और या फिर इस तरह है तो उसे समाप्त भी कर सकता है, उसे बरी भी कर सकता है। तो ये है आर्टिकल 72 के तहत राष्ट्रपति को समाधान की शक्ति प्राप्त है। देखिए आज की क्लास में मैंने आप लोगों को सिर्फ शॉर्ट में राष्ट्रपति से संबंधित जो इंपोर्टेंट आर्टिकल है वो बताया है पार्ट 1 में। पार्ट 2 में हम इनकी विस्तार से चर्चा करेंगे, सब चीजों की एक ये ब्रीफ समरी है पार्ट 1 में, एक झलक है राष्ट्रपति की कि हाँ राष्ट्रपति के द्वारा कैसे कैसे काम होता है, क्या होता है, कैसे निर्वाचित होता है, क्या, बस एक झलक है, ठीक है, ताकि आप लोगों को आगे पढ़ने में आसानी हो इस चीज को। नेक्स्ट है अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति संयुक्त दोनों सदनों की बैठक बुलाता है। आर्टिकल 108 में कहा गया है कि अगर कोई मामला ऐसा आ जाए कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों सत्र में नहीं है और किसी चीज पे या किसी विषय पर कानून बनाना अनिवार्य हो जाए तत्काल में, तो राष्ट्रपति दोनों सदनों की बैठक बुलाएगा, संयुक्त अधिवेशन भी कहते हैं, संयुक्त बैठक भी कहते हैं, तो ये कहा गया है आर्टिकल 108 में। तो ये तो ठीक है भाई, राष्ट्रपति ने बुला ली, उसका अधिकार है आर्टिकल 108 के तहत, लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि 108 के तहत राष्ट्रपति तो बुलाता है, ये तो बात ठीक है, लेकिन इसकी अध्यक्षता कौन करेगा, बुला ली ठीक है राष्ट्रपति ने, लेकिन अध्यक्षता कौन करेगा, तो आप याद रखना इसकी जो अध्यक्षता करेगा संयुक्त अधिवेशन के बैठक की या संयुक्त अधिवेशन की, वो करेगा लोकसभा अध्यक्ष। ये क्वेश्चन आता है बार बार एग्जाम में किस आर्टिकल के तहत और कौन उसकी अध्यक्षता करेगा, दोनों पॉइंट आप याद, ठीक है। नेक्स्ट,
अनुच्छेद 80(3) के तहत राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों की नियुक्ति करता है। देखो आर्टिकल 80(3) में यह कहा गया है कि राष्ट्रपति जो हमारा राज्यसभा है, अपर सदन जिसे हम कहते हैं, अपर हाउस, तो उसमें 12 सदस्यों को नियुक्ति करेगा। आर्टिकल 80(3) कहता है वो 12 सदस्य कौन होंगे वो जान लीजिएगा। वो जो 12 सदस्य होंगे वो होंगे आपके साहित्य, कला, समाज सेवा, विज्ञान, सहकारिता आदि में विशेषज्ञ लोग, आदि में प्रसिद्ध लोग। तो उन 12 सदस्यों की जो नियुक्ति करेगा राष्ट्रपति, किस सदन में करेगा? राज्यसभा में। कितनों की करेगा? 12 की करेगा। किस आधार पर करेगा? साहित्य, कला, समाज सेवा, विज्ञान, सहकारिता के आधार पर। किस सदन में करेगा? राज्यसभा में। किस आर्टिकल के तहत करेगा? आर्टिकल 80(3) के तहत करेगा। क्लियर है यहां? नेक्स्ट, अनुच्छेद 111, राष्ट्रपति को वीटो पावर की शक्ति प्रदान करता है। क्या है वीटो पावर, कोई बता सकता है? जो बच्चे क्लास में उपलब्ध है बताइए। अंजना आप बताइए क्या है आर्टिकल 111, वीटो पावर क्या है? चलिए ठीक है, वेरी गुड। देखो सही बदला आपने। देखो मैं बदला देता हूं, वीटो पावर आर्टिकल 111 के तहत राष्ट्रपति को वीटो पावर या जेबी वीटो पावर, बीसी का नाम है जेबी वीटो पावर, शक्ति प्राप्त। जेबी वीटो पावर क्या होती है? जेबी वीटो पावर ऐसा होती है, अगर लोकसभा और राज्यसभा ने कोई बिल पास कर दिया, कोई भी बिल, किसी भी चीज से संबंधित बिल पास कर दिया, तो अंतिम किसके पास जाएगा? राष्ट्रपति के पास जाएगा। जब तक राष्ट्रपति के सिग्नेचर या हस्ताक्षर नहीं होंगे तो कानून नहीं बनेगा, है ऐसा? बिल्कुल ऐसा है। तो वो राष्ट्रपति के पास भेजा गया, तो राष्ट्रपति ने उस पर सिग्नेचर ना करके, कोई उत्तर ना देके उसे अपने पास रख लिया, ठीक है? उसका यस में उत्तर ना देके अपने पास रख लिया, ना तो उस पर हस्ताक्षर किए, ना उसे आगे भेजा, कुछ नहीं करा, तो उसे कहते हैं वीटो पावर, शक्ति, वो है आर्टिकल 111 के तहत राष्ट्रपति को प्राप्त है। अब तक मात्र वीटो पावर का जो प्रयोग हुआ है, पहली बार जो वीटो पावर का प्रयोग हुआ था 1986 में हुआ था। उस समय भारत के जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे वो थे ज्ञानी जैल सिंह। उन्होंने पहली बार भारतीय डाक संशोधन विधेयक पर वीटो पावर का प्रयोग किया था। क्लियर है? तो ये होती है वीटो पावर शक्ति। एक बार फिर रिकॉल करा रहा हूं, भारत में वीटो पावर की शक्ति किसे प्राप्त है? राष्ट्रपति को। किस आर्टिकल के तहत प्राप्त है? आर्टिकल 111। वीटो पावर का दूसरा नाम जेबी वीटो पावर। क्लियर है? किस राष्ट्रपति ने पहली बार वीटो पावर का प्रयोग करा था? ज्ञानी जैल सिंह ने। किस संशोधन विधेयक पर किया था? भारतीय डाक संशोधन विधेयक पर। क्लियर है? इसके बाद है आपका आर्टिकल 113(3) के तहत किसी अनुदान की मांग राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही की जाएगी, अन्यथा नहीं। आर्टिकल 113(3) ये कहता है कि अगर कोई अनुदान लेना है या अनुदान चाहिए तो उसकी सिफारिश राष्ट्रपति ही कर सकता है, अन्यथा नहीं, या उसकी मांग राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही की जाएगी, अन्यथा नहीं की जाएगी। तो इस चीज का जो उल्लेख मिलता है वो किस आर्टिकल में मिलता है? आर्टिकल 113(3), ठीक है? इसके बाद है हमारा आर्टिकल 123 अध्यादेश। अध्यादेश कौन जारी करता है? राष्ट्रपति। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 123 के तहत। देखो एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में, इसे मैं डिटेल में बाद में पढ़ाऊंगा आप लोगों को,
नेक्स्ट पार्ट में हो जाएगा हमारा। आज तो ब्रीफ समरी है, शॉर्ट है आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों का एक क्लियर है। और जो आज की क्लास है, यहां से भी कम से कम आपके दो क्वेश्चन कम से कम बनते हैं एग्जाम में, आप ध्यान रखना। देखो अध्यादेश जारी क्वेश्चन आता है, अध्यादेश जारी करने कौन करता है, राष्ट्रपति। किस आर्टिकल के तहत? 123 के तहत। अध्यादेश क्या होता है? अध्यादेश वो होता है अगर अगर लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदन सत्र में नहीं है और कोई ऐसी समस्या आ जाए जिसपे कानून बनाना अनिवार्य हो जाए, जल्दबाजी में ही कानून बना लिया जाए, जैसे कोई महिला सुरक्षा से संबंधित कानून है, महिला बच्चों से संबंधित कानून है, पोस्को एक्ट वगैरह इस तरह की जो चीजें हैं, या फिर आपका पुलिस एक्ट है जिसपे तत्काल कानून बनाना अनिवार्य हो जाए, या हिंसा से संबंधित कोई एक्ट है, इस तरह की जो चीजें हैं, तो आर्टिकल 123 के तहत राष्ट्रपति एक अध्यादेश जारी करता है। यह अध्यादेश जो जारी होती थी पहले, ये ब्रिटिश जो शासन काल था हमारा, जो हमारे गवर्नर जनरल होते थे उस समय, वो जारी कर देते थे अध्यादेश को। तो आर्टिकल 123 के तहत राष्ट्रपति जारी करता है और उस अध्यादेश की वही शक्ति और वही पावर होती है जो पार्लियामेंट द्वारा बिल पास करके राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद कानून बनता है, इसकी भी वही शक्ति होती है। और इसका जो समय होता है वो 6 सप्ताह होता है अध्यादेश जारी। 6 सप्ताह बाद अगर उसे पार्लियामेंट ने पास कर दिया तो वो हमेशा के लिए बन जाएगा कानून। अगर वो कानून समाप्त नहीं करा, अगर वो पास नहीं करा तो समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहता है अध्यादेश। नेक्स्ट है अनुच्छेद 352, 356, 360। 352, 356, 360 ये तीनों राष्ट्रपति को आपातकालीन शक्ति प्राप्त है। ये क्या है देख लीजिएगा एक बार। अनुच्छेद 352 कब लगाया जाता है और कौन लगाता है? राष्ट्रपति से लगाते हैं। पूरे भारत में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है किस स्थिति में? युद्ध, युद्ध, बाह्य आक्रमण, कोई देश हमारे पर अटैक कर दे, या सशस्त्र विद्रोह, सेना द्वारा विद्रोह, ठीक। आंतरिक अशांति, सेना द्वारा विद्रोह, या आपका बाह्य आक्रमण, इन तीन आधारों पर ही अनुच्छेद 352 का प्रयोग किया जाता है। ऐसा अब तक आर्टिकल 352 का प्रयोग 3 बार हो चुका है। एक बार चीन युद्ध के समय, एक बार पाकिस्तान युद्ध के समय, और एक बार आंतरिक अशांति के आधार पर। तो इसका प्रयोग पूरे भारत में, इसे कहते हैं इमरजेंसी पावर या इमरजेंसी एक्ट। अनुच्छेद 356 का प्रयोग कब होता है? यह प्रयोग होता है राज्यों में। अगर राज्य में रूल रेगुलेशन के तहत वहां की सरकार, वहां का जो बॉडी है काम करने की, वो कानून के अकॉर्डिंग कार्य ना कर रही हो, कानून का उल्लंघन हो रहा हो उसमें, और तो इसकी सिफारिश राज्यपाल राष्ट्रपति को करेगा अनुच्छेद 356 की, तो राष्ट्रपति उसकी जांच कराएगा। तो अगर वो सत्य पाया जाता है तो उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। भारत में सबसे पहले अनुच्छेद 356 का जो प्रयोग हुआ था वो हुआ था पंजाब राज्य में, और सबसे अधिक जो प्रयोग हुआ 356 का अब तक वो हुआ है जम्मू कश्मीर राज्य में, ठीक है। अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल होता है, पैसे, फाइनेंशियल संबंधित संकट, फाइनेंशियल अगर संकट आ जाए देश पर, कोई भी वित्त से संबंधित, मुद्रा से संबंधित अगर संकट आ जाए, तब अनुच्छेद 360 का प्रयोग किया जाता है। ऐसा अब तक भारत में एक बार भी नहीं हुआ है, क्लियर है। तो अनुच्छेद 360 का प्रयोग कभी नहीं हुआ है। क्वेश्चन आता है कि निम्न में किस अनुच्छेद का प्रयोग कभी नहीं किया गया? अनुच्छेद 360, ठीक है। बाकी इन्हें फिर विस्तार से बताऊंगा मैं आगे चलते आप लोगों को। अनुच्छेद 331 के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा में दो अंगल भारतीय, याद रखना, दो अंगल भारतीय सदस्यों की नियुक्ति करता है। अनुच्छेद 331 के तहत अगर राष्ट्रपति को यह लगे कि अंगल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व नहीं है लोकसभा में,
तो राष्ट्रपति अंगल भारतीय समुदाय के दो सदस्यों को नाम दर्ज करता है या नामजद करता है या नॉमिनेट करता है या नियुक्त करता है, सब एक ही बात है, ठीक है। तो आर्टिकल 331 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा में दो सदस्यों को अपॉइंट करता है और आर्टिकल 83 के तहत राज्यसभा में 12 सदस्यों की नियुक्ति करता है, ठीक है। तो ये थी आज की हमारी क्लास, जो मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास थी। आप एक, ये पार्ट वन है राष्ट्रपति का, आप लोगों को एक ब्रीफ समरी दी हूं मैंने ताकि आप लोग समझ जाए, इसे पढ़ सके, और जब हम इसे थोड़ा डिटेल में जान पढ़े आप लोगों को कोई भी समस्या ना आए। तो चलिए, मैं आपका अपना टीचर गुलशर गौर, और अगर भाई देखो आप यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप लोगों से एक गुजारिश है, और एक आप लोगों को कंटिन्यूटी भी दिलाने के लिए ये है कि आप लोग इसे प्रतिदिन 3 क्लास पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, फ्री है, क्या बिगड़ता है शेयर करने में, क्या बिगड़ता है लाइक करने में, और क्या बिगड़ता है सब्सक्राइब करने में, ठीक है। तो और अगर पुराने हैं तो कंटिन्यूटी के साथ जुड़े रहिएगा और नए नए लोगों को जोड़ने का प्रयास कीजिएगा, और आप लोग ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। चलिए, थैंक यू।